आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को शेयर मार्केट में कैसे उथल पुथल होती है एक योग ये बताऊंगा, और एक ये भी योग बताऊंगा कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा तरक्की कौन लोग करते हैं। देखिए, पहले भी मैं आप लोग को एक बात बता चुका हूँ, किसी भी पत्रिका में बुध और बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, साथ में राहु की अच्छी स्थिति होती, तो वो लोग शेयर में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो विद्वान से पत्री अध्ययन कराने के बाद ही शेयर की तरफ जाएं, नहीं तो शेयर का बिल्ली होने में देरी नहीं लगेगी। अब आपको हम एक अद्भुत विषय लेके आए हैं, तो एक ऐसी जन्म पत्रिका पे आपको शोध करके दिखाते हैं कि क्या हुआ, गिरोह की स्थिति चेंज हुई और शेयर मार्केट का डामाडोल लूज हो गया। अब आपको हम बताते हैं अंडानी जी की जन्म पत्रिका के एक विशेष शोध। हमारे पास किसी मित्र का फोन आया कि आचार्य जी, अंडानी जी की पत्रिका में आप कुछ शोध करके बताइए कि कैसी रहेगी उनकी आने वाली आर्थिक स्थिति और कैसे रहेगा उनका शेयर मार्केट और वो कितना देश के प्रति वफादार हैं। देखिए, अंडानी जी का जन्म जून 1962 में हुआ, 5:15 सुबह अहमदाबाद में। उनकी पत्रिका बनी वर्ष लगन की और कुंभ राशि की। उनके लगन में ही बुध बैठा है और सेकंड भाव में सूर्य और थर्ड भाव में शुक्र के साथ राहु बैठा है और दशम भाव में चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठे हैं और शनि और केतु उनके भाग्येश में बैठे हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। वर्तमान में उनकी जो है शुक्र की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। अब आपको बताते हैं विशेष कि कैसे ये घटना घटी। देखिए, एक कुंडली में नारद योग होता है, ये नवमास से देखा जाता है। ज्योतिष के जो जिज्ञासु हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनके लिए ये सूत्र हम बता देते हैं। नवमास कुंडली में नारद योग से कुंडली का अध्ययन किया जाता है। ना से नवमास, रा से राशि और दय से दशा, यानी नारद। नारद जी ही एक ऐसे देवता हैं जो पूरे विश्व में भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। अगर कोई भी एक्सप्लोजर अगर ज्योतिष करता है तो वो गणेश जी सरस्वती जी के साथ अगर नारद मुनि जी का भी स्मरण करता है तो वो सामने वाले की पत्रिका जब पढ़ेगा तो निश्चित नारद जी उनको ये संकेत कर देगा कि इनका आने वाला समय कैसा है। ये एक योग हमने बताया। अब देखिए कैसे शेयर की उथल पुथल हुई। 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में आए और अंडानी जी की राशि कुंभ। अब जब भी कोई भी शनि ग्रह या राहु ग्रह चतुर्थ भाव से या चंद्रमा पर से जब आदान प्रदान करता है तो कुंडली के सारे ग्रह हिल जाते हैं। अब उसके बाद 7 फरवरी को बुध ने राशि परिवर्तन किया, धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश किया। मकर उनका 12वां घर, शुक्र की महादशा में राहु का अंतर और शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू। तो देखिए, उन्होंने ये जो स्थिति बनी है ये शेयर में उथल पुथल उनका मच गया है। परंतु मैं उनकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ये निश्चित तौर पे कहता हूँ ये कुछ ही समय के लिए समय खराब किया है। मेरे को एक चीज़ का विषय पता है, उनका लगन इतना मजबूत है और लगन में जो बुध बैठा है और बृहस्पति जो दशम भाव में गजकेसरी योग बना के चंद्रमा के साथ बैठा है, ये देश की स्थिति को सुधारेंगे। निश्चित इनका समय इतना खराब नहीं है। अब इनको शनि का जाप और राहु की शांति के लिए एक गाय बछड़े का दान करना चाहिए। अगर आपकी पत्रिका में भी ऐसा योग है तो आप अंडानी जी की पत्रिका से अपनी पत्रिका के कुछ सूत्रों को देखें, क्या आपकी कुंडली में भी ये योग हैं। अगर ये योग हैं तो ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। आशा है आप सबको विषय समझ में आया होगा। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ।